हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें ऑलमोस्ट सारा जितना भी टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआई एंड एसआई। एसआई एंड सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हिंदी में बोले तो एसआई बोले तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। ये हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसको ट्रिक मेथड से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग इजिली पढ़ सके। ठीक है, बहुत इसका लेंदी क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कीजिएगा। पहले मैं बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखिए, साधारण ब्याज क्या है। मान लो आपके पास पैसा है, और कोई मजबूर व्यक्ति आता है या किसी को पैसा की जरूरत है, उसके पास पैसा नहीं है, आपसे आता है पैसा लेने, बोलता है कि आप मेरे को 1000 रूपया दे दो। ठीक है, आप मेरे को 1000 रूपया दे दो और इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसा दूंगा। ठीक है, तो क्या देंगे? तो आप बोलिएगा ठीक है, आप 1000 रूपया ले लो, कितना दिन बाद दोगे? तो बोला भाई पता नहीं है कितना दिन के बाद दे देंगे। ऐसे आप अगर बोलता वो कि 10 दिन बाद दे देंगे तो आप बोलते चलो 1000 रूपया ले जाओ, फिर 10 दिन बाद मेरा 1000 रूपया लौटा देना। तो आप बोले नहीं, देखो मेरा पैसा तो ले जाओ, लेकिन इस पैसा देने के बदले में मैं तुमसे कुछ पैसा एडिशनल लूंगा। जब मैं तुमसे पैसा लूंगा तो कुछ ज्यादा का चार्ज करके लूंगा। तो मान लो आप उसको 1000 रूपया दे दिए। ठीक है, 1000 रूपया दे दिए और बोल दिया आपकि मैं तुमसे ये जो 1000 रूपया दूंगा वो 10% के ब्याज पे दूंगा। 10% का ब्याज का मतलब कि अगर आप 1000 रूपया है, अगर 10% पर ईयर के ब्याज पे दूंगा, मतलब कि कहने का मतलब कि जो 1000 रूपया तुम लिए हो उसका 10% आप निकालिए। 10% का मतलब कितना हो गया? 100 रूपया हो गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब तुम 1000 रूपया 1 साल के बाद लौटाओगे तो मैं तुमसे 1000 रूपया लेके इसमें 100 रूपया एडिशनल चार्ज लूंगा, मतलब 1100 रूपया लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये बोल रहे 10% के रेट से। अगर आप ये बोलता कि अच्छा चलो ठीक है, अगर आप 1 साल के बाद पैसा लौटा देते हो तो 1100 रूपया वो लौटा देगा। फिर इसके बाद ये बोलता चलो 2 साल के बाद लौटाता तो और 100 रूपया बढ़ जाता, 3 साल के बाद लौटाता तो और 100 रूपया बढ़ जाता, 1300 रूपया हो जाता, 4 साल के बाद लौटाता तो 1400 रूपया हो जाता। तो इस तरह से जो आप पैसा उससे ले रहे हो, मतलब कि हर साल एक फिक्स अमाउंट ले रहे हो, आप 10 साल रखोगे तो 100 रूपये के हिसाब से 10 साल जोड़ के उसके बाद वो लौटा देगा। वो आपका 1000 रूपये तो लौटाएगा ही, साथ में ये हर एक साल जो 100 रूपये बढ़ रहा है ये भी लौटाएगा। तो इस तरह से कोई चीजें अगर बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। इस ये जो चीज आप ले रहे हो उसको साधारण ब्याज बोलते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर इसी 1000 रूपया को क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति होता है कहता है कि मैं आपको 1000 रूपया दूंगा, ठीक है 1000 रूपया दूंगा, ठीक है अगर ये 1000 रूपया दूंगा मैं आपको, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे दूंगा। क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज पे दूंगा, 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे कि 1 साल का तो इसका मतलब कि 100 रूपया हो जाएगा, तो अगले साल जाएगा लेने तो 1100 रूपया उससे लेगा। लेकिन ये व्यक्ति क्या था कि इसी पे जो साधारण ब्याज वाला था, वो जो फिक्स पहला जो अपना 1000 रूपया दे रहा था उसी पे 10% जोड़ जोड़ के आपसे पैसा ले रहा था। लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा, ये बोलेगा 1000 रूपया मैं आपको दिया था, अगला साल कितना हो गया मेरा आपको 1100 रूपया हो गया, आप 1100 रूपया नहीं लौटा पाए तो फिर मैं अब इस 1100 का और 10% लूंगा। 1100 का 10% आप निकालिएगा, 1100 का 10% निकालिएगा, 10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 110 रूपया। मतलब कहेगा कि देखो यहाँ पे हर एक साल, पहला साल भी 100 रूपया ले रहा था, दूसरा साल भी 100 रूपया ले रहा था एडिशनल अधिकतम, तीसरा साल भी 100 रूपया, ये कह रहा है पहला साल तो मैं 100 रूपया लूंगा लेकिन दूसरा साल 110 रूपया लूंगा। मतलब कि ये अब इसको प्रिंसिपल अमाउंट मान लो, जो आप पैसा देते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन बोलते हैं। जो आप समय जो है और जो रेट से देते हैं उसको क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये 1100 पे 110 लेगा तो इसका कितना हो जाएगा, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, दूसरे साल में हो जाएगा 1100 तो ये था और फिर इस पे 110 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 1021 1210 रूपया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैसा बढ़ते जाएगा हर, अब अगले साल फिर जब आप नहीं पैसा लौटा पाए तो तीसरा साल 1210 का 10% लेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, हर साल आपका पैसा बढ़ते जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते जा रहा है। तो ये चीज जो इस पैसा पे अगर कोई पैसा लेता है, इस शर्त पे पैसा लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई पैसा लेता है, तो ये पैसा देना बहुत महंगा होता है और इसमें बहुत ज्यादा ब्याज बनने लगता है, लेकिन साधारण ब्याज वाला इसके कंपेयर में कम बनता है। ये तो हो गया बात समझने की। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मैं और कुछ बात बता दूं आपको।
कि आप जो 1000 रूपया दिए थे, 1000 रूपया था, इस पे 10% का जो ब्याज था वो देने के बाद 1100 रूपया हो जा रहा है। तो ये जो 1100 रूपया है इसको क्या बोलेंगे, इसको मूलधन बोलेंगे। ये 1000 का जो आप ये ठीक है, 1000 रूपया तो ये आप दिए थे, आप एक साल के बाद कोई लेना दिया गया तो 100 रूपया क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। अगर वो ब्याज सहित आपको लौटा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, 1107 रूपया आपको मिलेगा। ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। इंग्लिश में बोले तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, ये मिश्रधन हो गया। तो मूलधन, तो ये इस आप समझ गए, अगर सूद सहित मतलब ब्याज सहित आप पैसा ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया तो जल्दी से देख लीजिए, हम लोग ये सब मेथड पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन वैसे तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इसको साधारण ब्याज लिखिए, साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मिश्रधन आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, मिश्रधन बोलेगा कि 2 साल के बाद कितना पैसा उसको धन सहित लौटाएगा, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब कि पी प्लस एस आई इक्वल्स टू मिश्रधन को अमाउंट से ए से डिनोट करते हैं। ये हो गया मिश्रधन। ठीक है, इतना ये बात हो गया, ये बेसिक हो गया। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा कि कोई व्यक्ति है वो 1000 रूपया 10% के रेट के से 3 साल के लिए किसी व्यक्ति को जमा करता है तो उसका साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज ये फॉर्मूला में बैठा देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर देगा, ये कितना हो जाएगा, 300 रूपया आ जाएगा साधारण ब्याज। अगर कहेगा उसको सूद सहित मिश्रधन कितना लौटाएगा तो 1000 में 300 जोड़ दोगे तो 1300 मिश्रधन हो गया। मैं इतना आशा करता हूँ कि ये सब चीजें सबको आती होंगी, मैं बस इतना अपना वो अपना जो बेसिक है जो बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अगर कोई पैसा उस पर दिया, क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवृद्धि ब्याज पे देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1/R/100n-p। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, पी मूलधन है, 1 + R क्या है, रेट है, एन 100 क्या है, 100 है, एन क्या है, समय है, कितना समय के लिए दे रहा है, और पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। इसमें अगर अमाउंट का फॉर्मूला पूछेगा तो आप इसको घटा देंगे, ये घटा देंगे तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 + R/100n। ये क्या है, मिश्रधन का फॉर्मूला हो गया। बस इतना मुझे बताना था। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, क्या करना है, 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप करते जाइएगा, देखते जाइएगा, आपको कुछ नहीं करना है। 2 ट्रिक है, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए आप याद रखेंगे 2-1, कहीं पे 3 ईयर के लिए दिया रहेगा तो 3-3-1, कहीं पे 4 ईयर के लिए दिया रहेगा, पहले दो पढ़िया 2 और 3 ईयर के लिए देता है, 4 ईयर के भी मैं बता दूंगा, ये 2 ईयर के लिए, ये इतना बस आपको ध्यान रखना है कि कहेगा 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये रखेंगे या 2-1, और 3 साल के लिए कहेगा तो 3-3-1। ठीक है, अब ये मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको अभी इसको बताऊंगा इसके बारे में, पहले आप क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, आप अगर ये एक क्वेश्चन समझ जाएंगे और मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, अगर 2 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो किसी तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत इजीली। एक क्वेश्चन में यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। कह रहा है कि यदि 2500 रूपये को 20% की दर से कोई व्यक्ति उधार 2 वर्ष के लिए लेता है, ठीक है, तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। यही 4 टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या तो साधारण ब्याज पूछता है, या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, या तो मिश्रधन पूछता है, मतलब कि या तो साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है।
इसी में से कोई देता है कोई गायब करता है सारा क्वेश्चन। अगर आप इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ये पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोल दें कि अगर कोई व्यक्ति है वो ₹2500 20% के रेट से उधार लेता है 2 वर्ष के लिए, तो उसका आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, दो, ये 2 साल के लिए है तो 2 और 1 लिख लेना है, 2 साल के लिए है तो 2 और 1 लिख लेना है। पहले तो आपको बताया था कि परसेंटेज मेथड से बताना है, तो 20% रेट दिया है, तो रेट क्या लिख लेंगे, 20%। 20% का वैल्यू क्या होता है, 20 बटा 100, मतलब कि काटेंगे तो इसको क्या आता है, 1/5, ठीक है, ये आ गया 1/5। आप ध्यान से देखते जाइए क्या क्या करना है। अब जो आपको अमाउंट दिया गया है आप यहाँ पे ट्रिक में लिख लेंगे 2 और 1, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। जो आपको अमाउंट दिया गया है ये कितना दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है, 2500। 2500 का जो ये आपको आया ना उसका एक बार लिखिए, इंटू 1/5, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 से 2500, 500। इसको जो आ रहा है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर एक बार जो अब ये बच गया 500, फिर इसको 1/5 से जो रेट दिया गया उसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत है। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे ये मैं काट दूं, अब आपसे 3 बातें पूछा है, क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपसे अमाउंट पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप इस तरह का ट्रिक लगाते हैं तो जो ये सबसे ऊपर वाला आता है वो साधारण ब्याज आता है, क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 1000 रुपया, ठीक है। उसके नीचे जितना आता है, ये ऊपर वाले को छोड़ के तीन, जितना नीचे आता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आता है, क्या आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, 100 रुपया। अगर सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे और जितना आएगा 1001 से कितना हो जाएगा, 1100, वो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, 1100 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपसे अमाउंट मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर साधारण ब्याज पे मिश्रधन निकालेंगे, मतलब अगर आप उसको बोले कि हम लोग एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं, अगर आपको साधारण ब्याज पे आप मिश्रधन दे रहे हो कि साधारण ब्याज के दर से आपको दे रहे हो, तो उस केस में मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब जो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, मैं अगर लिख देता हूँ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हो तो उस समय अमाउंट कितना हो जाएगा, 2500 रुपया तो दिए थे, प्लस 1000 रुपया आपको क्या इंटरेस्ट आया है, तो कितना आ जाएगा, 3500 हो जाएगा। लेकिन ये अमाउंट एक और आप निकाल सकते हैं, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट उसको दिए हैं, बोल के दिए हैं कि हम तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो 2500 रुपया तो ये आएगा, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1100, तो ये 3600 रुपया हो जाएगा। समझ में आया कि 2 अमाउंट क्या हुआ, हम अभी एक ही क्वेश्चन में सब कुछ ले लिए। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ बोल देता कि आपको ये साधारण ब्याज के दर से दे रहे हैं तो ये अमाउंट निकाल दे, बोलता कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से देते हैं तो ये अमाउंट होता, क्लियर है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। मैं आप ये 2 साल के लिए मैं क्या बताया, फिर सबसे ऊपर वाला जो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। उसके नीचे वाला क्या होता है, CI-SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्या होता है, अंतर होता है। उसके नीचे जितना भी होगा, अगर 3 साल के लिए होगा तो 1 तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला साधारण ब्याज, अब 3 साल वाला भी लेके देखूंगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और आपको अमाउंट निकालना है तो अगर मूलधन है, मूलधन दिया गया है, साधारण ब्याज आपको पता चल गया, तो मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, मतलब मिश्रधन निकल जाएगा। आई होप कि आप समझ पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, मैं 3 साल वाला भी बताता हूँ, फिर आपके एग्जाम का क्वेश्चन मैं धराधर लूंगा, देखिएगा कैसे सेकंडों में सारा क्वेश्चन खत्म होते जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए हम लोग कितना, मतलब 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतना कुछ सॉल्व कर लिए। आपके एग्जाम में तो एक साथ में एक ही पूछता है, या तो पूछेगा साधारण ब्याज बताओ,
या तो बोलेगा कंपाउंड सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, या तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, या तो अमाउंट बताओ, इस तरह यही सब पूछेगा। मैं एक क्वेश्चन में आपको पांच क्वेश्चन बताऊं, तो अगर आप इसको समझ गए तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करना, पहले रेट जो दिया गया उसको लिख लेना। देखिए और एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि 1000 रूपये को 10% की दर से कोई व्यक्ति उधार लेता है, इसको 1000 का आप 10000 कर लीजिएगा और अच्छा रहेगा, 10000 ठीक है। 10000 रूपये को कोई व्यक्ति उधार 3 वर्ष के लिए लेता है तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, इतना बात बताना है। मैं आपको क्या बताया, सबसे पहले आप रेट पे ध्यान दोगे, रेट कितना दिया है, रेट कितना है दिया है 10% दिया गया है। 10% का वैल्यू कितना होता है, 10/100 मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। अब आपको यहाँ पे दूसरा बात, दूसरा स्टेप आपको समय पे ध्यान देना है, समय कितना साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है, तो 3 साल के लिए क्या ट्रिक होता है, 3-3-1 ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 साल के लिए क्या होता है, 3-3-1 ठीक है, इतना लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो अमाउंट दिया है, जो 10000 दिया है, 10000 उसका पहले 1/10 निकालना है, 1/10 निकाल के कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है सबसे ऊपर वाले में। फिर जो 1000, अब ये जो 1000 आ गया, अब इसका 10% निकालना है, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो 100 आ गया इसका 1/10 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। ये सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चलिए इतना लिखने के बाद अब क्या क्या आपको निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालना था, साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर निकालना था, आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, आपको अमाउंट निकालना था, इतना बात निकालना था आपको। चलिए मैं क्या बोला कि जो सबसे ऊपर वाला होगा ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3000। आपको जो मेथड आता है आप उस मेथड से ये सारा निकाल के चेक कर लेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो आप बता सकते हैं ठीक है। अब थोड़ा सा मैनेज करेंगे, पावर कट हुआ है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 3000। आपको मैं बताया जो मेथड आता है आप उससे करके चेक कीजिएगा, अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये जो नीचे वाला आता है, ये नीचे वाला जितना आता है अगर सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ दोगे नीचे वाला, उसको छोड़ के इन दोनों को, मतलब नीचे वाला दो, अब पहले 2 साल के लिए तो एक ही बच रहा था तो वो था, अब नीचे वाले ये जो जितना बचेगा 2 साल के लिए 2 को रहेगा, 3 साल के लिए 2 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 300 और 10, तो 310 आ गया, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया। अगर ये जितना दिया गया तीनों को जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3310 3310 आ जाएगा, ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया ठीक है, इतना आ गया। अब बात आया मिश्रधन निकालने का, तो अगर साधारण ब्याज के हिसाब से मिश्रधन निकालोगे, साधारण ब्याज के हिसाब से मिश्रधन निकालोगे तो 10000 रूपये था पहले से, 10000 रूपये तो पहले से था, और ये क्या हो गया, 10000 प्लस इसमें, 10000 प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, ये साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 3000 जोड़ देंगे तो 13000 रूपया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अमाउंट, मतलब मिश्रधन आ जाएगा साधारण ब्याज पे। अगर यही मिश्रधन मतलब अमाउंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 10000 रूपया आप जमा किए थे और आपको उस पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 3310, तो 13310 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा ठीक है, 3 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो आई होप कि आप 2 साल और 3 साल वाला सीख गए, 4 साल और 5 साल वाला भी सीखेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में जनरली 2 और 3 साल पे ही पूछता है। तो अब मैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन लेता हूं, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सबसे ऊपर वाले को क्या लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, नीचे जितना है उसको जोड़ देंगे, तो इसको छोड़ के ऊपर वाले को छोड़ के नीचे जितना है जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर,
और अगर तीनों सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। और अगर साधारण ब्याज निकल गया, मूलधन पता है, तो मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा साधारण ब्याज पे। और अगर मूलधन पता है और चक्रवृद्धि ब्याज पता है तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो इतना हो गया। आप अब कोई भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम का बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 1983 में 1983 में पूछा गया था कि 200 रुपए का 2 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ 200 रुपीज फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो मैं क्या बताया था आपको, जस्ट बताया था 2 साल, अभी तो पहले रेट लिख लो। रेट कितना दिया गया है, 20%। 20% का मतलब कितना हो गया, 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5। मैं क्या बोला था कि अब इसके इतना करने के बाद आप क्या देखोगे, समय देखोगे। समय कितना है, 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए क्या ट्रिक लिखते हैं, 2 और 1, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है 200, उसका क्या करते हैं, ये रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/5 कितना आ गया, 40, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये जो 40 है इसका क्या करते हैं, फिर एक बार क्या करते हैं, 1/5 से जब तक ये है तब तक करेंगे, ठीक है। 2 साल के लिए 2 बार करना पड़ेगा, 3 साल के लिए 3 बार करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 8/40, इसको क्या कर देंगे, 8 से, तो इसको मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 80। अब क्या आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। हम लोग क्या जानते हैं, सबसे ऊपर वाला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। और बोले थे कि इसके बाद जो ऊपर वाले के बाद जो नीचे जितना बच जाता है, ऊपर वाले के छोड़ के उसके बाद नीचे जितना बन जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज साधारण ब्याज का क्या होता है, अंतर होता है। तो आपका 8 हो जाएगा अंतर। तो 8 कौन सा ऑप्शन है, सी है आपका आंसर, तो यहीं पे निकल गया। आप ये अभी नहीं देखते तो आप यहां से डायरेक्ट देखते हैं कि यहां से जो इसको छोड़ के इसके नीचे वाला जितना क्या बनता है, ये अंतर बनता है। अगर आपको अगर कोई भी मेथड आता है तो क्या होता, सबसे पहले इसको मेथड से बनाते, तो मैं आपको ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको सबसे पहले मेथड से आप बनाते तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, चक्रवृद्धि वाला ब्याज वाला फॉर्मूला आप क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू 1+R/100 to the power P-A। ये निकालते हैं, मतलब यहाँ पे आप लिखते कितना, 200 × 1+20/100 to the power 2-200, ये निकालते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। फिर साधारण ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पी मतलब 200 × R × T/100। ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद, इतना ये स्क्वायर करने के बाद आप क्या करते हैं, ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद दोनों को घटाते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज, तब आपके आपका आंसर 8 ही आता। आप नहीं है तो आप चेक कर लीजिए अपने मेथड से। तो देखिए कितना इजी तरीका से आपको ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर में कर लेंगे। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और अपना एक और चैनल है जो विलेज स्कॉलर, आप उससे बहुत कम बच्चे उसको देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों कम बच्चे देख रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा, मैं वहां पे हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी फिजिक्स करा रहा हूँ, फिर मैथ भी पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो अगर आप ज्यादा ज्यादा बच्चे आएंगे तो मैं वहां पे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो जाकर कर लीजिए। क्या नाम है उसका, विलेज स्कॉलर, VILLAGE स्कॉलर। देखिए यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब, मतलब कि जो आपका सिलेबस जो है धीरे धीरे करके खत्म हो ही रहा है, तो अब उस चैनल पे ज्यादा जोर दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किया जाए। तो अगर आप वो कुछ चैनल छोड़ रहे हैं और उसपे कितना 1982, 1983 और 1984 3 ईयर का वहां पे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ ऐसे ही समझा के कर दिया गया है। आप जाके देखिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसा आपको क्वेश्चन लग रहा है, कैसा वो लग रहा है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जो शुरू का 2 क्वेश्चन बता दिया ना, इतना टफ बता दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बहुत इजी लगेगा। कह रहे हैं कि 100 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है और 1986 में पूछा गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट को पकड़ना है। रेट 10% का मतलब 10/100, मतलब कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। समय कितना है, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए ट्रिक लिख लेंगे 2 और 1, ठीक है।
अब चलिए क्या करते हैं, पहले 100 रूपया अमाउंट पकड़ते हैं, उसका 1/10 लिखते हैं। 1/10 कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये 10 बच गया, इसका फिर 1/10 निकालते हैं, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1। आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं क्या बताया था कि सबसे ऊपर वाला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। इसके नीचे वाला क्या होता है, जो यहाँ पे बता दे क्या क्या हो गया, मैं एक क्वेश्चन में सब कुछ बता दे चलता हूँ। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका, 20 रूपया। ये जो इसके बाद जो बच जाता है वो क्या होता है, साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर आता है 1 रूपया। आप ये सबसे नीचे वाला क्या आता है, ये सबको जोड़ देते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 20+1=21। तो ठीक है, आपका आपको आपसे आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है, इसमें से कोई भी आपसे पूछता तो आप बता देते हैं। आपके एग्जाम में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगर आप इतना नहीं भी करते, डायरेक्ट यहाँ पे दोनों को जोड़ देते, तो 21 और आपका क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। आप अपने मेथड से बना के देखिएगा, ये ज्यादा इजिली सॉल्व होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं और एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। इसमें लिखा गया कि 400 रूपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। इंग्लिश में बोले कि फॉर 400 रूपीज फॉर 2 ईयर एंड एट द रेट ऑफ 5% एनुअली, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी तक तो आप लोग इसमें एकदम हीरो हो चुके होंगे, सब बच्चे इस क्वेश्चन को पॉज करके अपने से बनाएंगे और फिर आंसर चेक करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रेट देखते हैं, रेट कितना है, 5%। 5% का मतलब 5/100, मतलब कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए क्या ट्रिक लिखते हैं, 2×1। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं, ये जो अमाउंट दिया गया है कितना है, 400 × 1/20, ये काट के क्या हो जाएगा, 20। तो क्या कर देते हैं, इसको पहले वाले को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो बचा हुआ 20 इसको 1/20 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, 40। ये सबसे ऊपर वाला क्या होता है, सबसे ऊपर वाला क्या होता है, सबसे ऊपर वाला क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 40। इसके बाद जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर हो जाता है 1 रूपया, और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है, कितना हो जाएगा, 41। आपका आंसर क्या पूछा, आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा था, आपका आंसर ये होने वाला है, आपका 1। और आप क्या करते हैं, यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। आप देखिए, इतना कुछ नहीं करने का, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं। आप इतना ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर वाले को साधारण ब्याज, नीचे जितना उसको छोड़ के नीचे जितना बच गया उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो। देखिए, आपके एग्जाम में 2 साल और 3 साल के लिए ही पूछ रहा है, इसलिए मैं 4 साल वाला अभी नहीं पूछ रहा, बता रहा हूँ। अगर 4 साल का पूछेगा तो मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन किया, ये इतना क्वेश्चन काफी है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर और मिश्रधन पूछ रहा है, इतना 4 तरह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में जितना है आप ढूंढ ढूंढ के बनाइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप क्रैक पॉलिटेक्निक ग्रुप में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और आज शाम को, मतलब कि आप वहां पे विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल में 1984 का क्वेश्चन नंबर 15 से 30 तक देखने जरूर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का होगा, जिसमें कभी कभी समय गायब कर देता है, कभी कभी दर गायब कर देता है, कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज दे देता है, मूलधन गायब कर देता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। होप कि आप इतना समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड विलेज स्कॉलर जरूर यूट्यूब चैनल को देखिए। बाय बाय।